सबका स्वागत है हमारे चैनल एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 में। देखिए, इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की है महेश तिवारी, हमारे पुराने स्टूडेंट हैं उन्होंने। और देखिए, ये ALP से का फॉर्म जो लोग भर रहे हैं या भर चुके हैं, उनके लिए जो है वो एक अच्छी खबर है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की तरफ से एक कॉरिजेंडम आया है, मतलब शुद्धि पत्र आया है। पुरानी जो वैकेंसी मतलब अभी निकाली गई है उनमें कुछ करेक्शन है टू पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल्ड CEN 1/2024। तो ये ALP से ही रिलेटेड था, जो अभी 5,000 प्लस पोस्ट आई हैं, और उसमें जो है वो एज रिलैक्सेशन थोड़ा सा दे दिया गया है टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट्स हु मे हैव बिकम ओवर एज्ड एंड हैव मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू अपियर इन रिक्रूटमेंट इन रेलवेज ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सेशन ऑफ 3 ईयर्स ओवर एंड अबव द प्रिस्क्राइब्ड अपर एज लिमिट मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट लोको पायलट पब्लिश्ड अंडर CEN 1/2024 एज ए वन टाइम मेजर। मतलब आपको इस बार के लिए, मतलब वन टाइम मेजर इस बार के लिए जो है वो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि कोविड के टाइम पे वैकेंसी, कोविड से पहले 2018 में आई थी वैकेंसी, उसके बाद कोविड रहा 3 साल तक, तो 2-3 साल तक, तो इस वजह से जो है वो जो ओवर एज हो चुके हैं और वैकेंसी नहीं आने की वजह से जो लोग नहीं भर पा रहे हैं फॉर्म, तो उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें किया जा रहा है। अकॉर्डिंगली द पैराज 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल्ड CEN 1/2024 हैव बीन रिवाइज्ड एज अंडर। तो उसको रिवाइज करके एज लिमिट एज ऑन 1/7/2024 तक आपकी 18 से 33 साल तक होनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ जो है वो उसके हिसाब से भी बात कर लें अगर, तो बोथ डेज इंक्लूसिव, यानी कि जो डेट दी है उनमें भी अगर आपका पड़ता है उस डेट को तो भी आप एलिजिबल हैं। तो एज ग्रुप 18 से 33 का मतलब है अनरिजर्व और EWS के लिए 2/7/91 तक से बाद, मतलब पहले के बच्चे जो हैं वो इसको कर सकते हैं। इसका मतलब फिर से समझ लीजिए, इसका मतलब यह है कि इस डेट ऑफ बर्थ से पहले के बच्चे नहीं भर सकते, वो ओवर एज होंगे। इस डेट के बाद के बच्चे जो पैदा हुए हैं या इस डेट को जो पैदा हुए हैं वो इसको भर सकते हैं, क्योंकि आप देखेंगे कि 91 में और 3 3 ईयर्स, मतलब आप रिलैक्स्ड करेंगे अगर 33 जोड़ेंगे तो वो आपका 2024 ही बैठता है जा करके। OBC के लिए जो 2/7/1988 को पैदा हुए या उसके बाद पैदा हुए हैं तो अप्लाई कर सकते हैं, और SC/ST के लिए 2/7/86 के को या उसके बाद पैदा हुए हैं, तो इसमें लोअर लिमिट जो है सबके लिए 1/7/2006 है। इसका मतलब 1/7/2006 या उससे पहले के बच्चे भर सकते हैं, इसके बाद के बच्चे नहीं भर सकते हैं। इफ ए कैंडिडेट इज एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सेशन ऑन मोर देन वन ग्राउंड ही शी विल बी गेट द मैक्सिमम अमंग्स द रिलैक्सेशन फॉर विच ही शी इज एलिजिबल, नॉट क्यूमुलेटिव। मतलब कहने का ये है कि कोई अगर बच्चा जो है वो दो कैटेगरी में आ रहा है और उसमें एक में मान लिया 2 साल रिलैक्सेशन, एक में 3 साल है, तो इसका मतलब उसे 5 साल नहीं मिलेगा बल्कि जो मैक्सिमम वाला होगा उतने साल का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC/ST एंड OBC नॉन क्रीमी लेयर कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट अनरिजर्व वैकेंसी विल नॉट गेट एनी एज रिलैक्सेशन। तो OBC NCL के अगर आप अनरिजर्व के भर करके वो कर रहे हैं तो आपको फिर एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, मतलब आप अपने को शो नहीं कर रहे हैं तो फिर उसमें नहीं रिलैक्सेशन ले सकते। एज रिलैक्सेशन टू XSM यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स विल बी एज गिवन इन पैरा 5.1 एबव। तो उनको भी 5.1 पैरा के हिसाब से मिलेगा। ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिटेल्ड CEN रिमेन अनचेंज्ड, बाकी सब वैसा ही है। नोट है नीचे, कैंडिडेट विथ रिलैक्स्ड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31 जनवरी 2024 PM ऑनवर्ड्स। तो कुछ व्यवस्था करनी होगी साइट में कि हाँ भाई वो उनके फॉर्म एक्सेप्ट करने लगे, तो 31 की 12 बजे से जो है वो आप इसको जो है वो भर पाएंगे, और ये 29 तारीख का ही नोटिफिकेशन है, ये हमारे पास इन्होंने भेजा था। चेयरपर्सन्स RRB हैं सारे, और तो इस तरह से आपके लिए जो ओवरएज्ड कैंडिडेट्स थे जो नहीं भर पा रहे थे उनको रिलैक्सेशन मिल गया है, तो ये अच्छी खबर है। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो पसंद आया है लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और ALP और टेक्नीशियन से रिलेटेड हमने चैनल पर एक प्लेलिस्ट भी बना रखी है, और जितने इससे रिलेटेड वीडियोस होंगे वो हम उसी प्लेलिस्ट में डालते जाएंगे। उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, और चैनल तो आप सब्सक्राइब कर ही लेंगे। टेलीग्राम चैनल अगर ज्वाइन नहीं किया है तो एम्पलीट्यूड स्टडीज 2.0 के नाम से ही टेलीग्राम चैनल है,
आप उसे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लें, चाहे तो टेलीग्राम ऐप पे सर्च कर लें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको उसका भी लिंक मिल जाएगा। वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।